पहुंच चुकी है उनकी मम्मी के पास, साक्षी की मम्मी के पास, कि साक्षी की मम्मी उस बेचारी बच्ची की मम्मी अब क्या बोलेंगी, क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो चाहती हैं कि दिल्ली सरकार क्या करे। अंडी जी, आपकी बेटी आपको छोड़ के जा चुकी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, आपकी क्या मांग है? मेरी मांग, मुझे न्याय चाहिए, उसे तो मौत चाहिए, उसको फांसी चाहिए, फांसी मौत चाहिए, उसकी फांसी की मौत चाहिए उसको। लोग कह रहे हैं कि अगर ये मामला दिल्ली की जगह यूपी में होता तो इसका जो हुलिया है कुछ और होता। अभी तक वो साहिल जो दरिंदा है, उस दरिंदे को अभी तक मौत के घाट उतार दिया जाता, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, तक हो गया होता है। और मैंने ये भी सुना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो आए थे आपसे, उन्होंने भी कुछ बातें बोली हैं, आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए आंटी, डरिए मत, बिल्कुल जी, जो बोल बात है डरिए मत, आप आज बोलेंगे तो आगे बात करेंगे, बात बनेगी आगे। सब लोग यही बोल रहे हैं, मतलब न्याय मिलेगी, उसको फांसी की सजा मिलेगी, और यही सब बता रहे हैं। ये जो साक्षी की जो दोस्त है, इसके घर पर वो इतने टाइम से घर नहीं थे, तो वो कब, आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी साक्षी से? वही कह रहा, संडे को 1:30 बजे, संडे को 1:30 बजे आप उसकी बात हुई थी, क्या बोल रही थी आपसे? यही बोल रही थी, मम्मी मैंने कहा बेटा कब आएगी, बोली मम्मी जो है जो भैया छूट के आ जाएंगे उसके बाद मैं चली आऊँगी, आज बर्थडे है, जा रहा हूँ बर्थडे का सामान वहाँ लेने, शाम को भी आ जाना बर्थडे में। ये देवा भैया कौन है? मतलब नीतू का आदमी है, जो नीतू है उनके हस्बैंड, वो कहाँ पर है? मतलब जेल में बंद है, वो खुद जेल में बंद है, और उनके साथ वो जो आपकी बेटी अभी जो है वो रह रही थी, उनके घर वाले के साथ, उनके घर वाले के साथ, छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब बच्चे थे, उनको संभाल रही थी। तो जब भी आपकी लास्ट टाइम बात हुई तो आपने बोला कि वो इस तरीके से आपसे बात हुई और बोला आपको कि हम जल्दी आ जाएंगे आपके पास? हाँ, वो जल्दी आ जाऊंगी, मम्मी जो टेंशन मत ले, तो कह रहे थे पास नहीं होगी, मैं पास होकर दिखा दिया, 2 साल में और तो पढ़ूंगा, बरवी करके मैं वकालत करने लगूँ, वकालत करूँगी, हाँ जी, वकील बन के मैं वकील बन के दिखाऊंगी, हाँ तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सब मेरे से बात करी, हंस के बात करी, हंस कर बात करी, लेकिन कुछ बता ही नहीं, मतलब साहिल के बारे में कभी उसने कुछ बात बताई नहीं, बताया कभी किसी से शेयर किया हो कि साहिल के साथ उनके कोई कांटेक्ट है, या फिर साहिल जो लड़का है? नहीं जी। तो साहिल आपके घर से कितने दूर रहता है यहाँ पे? अब मुझे नहीं पता, यहाँ कहीं आसपास में रहता है? नहीं, वो रहता है जैन क्रॉस पलासपुर से आगे। अच्छा, तो वो यहाँ पर उससे मिलने आया और मिलने के बहाने उसको बुलाया? पता नहीं, हाँ मुझे पता चला कि साहिल नाम का लड़का नहीं मारा, मैं तो कभी देखा नहीं, मैंने पुलिस वाले बोले दिखाओ तस्वीर, जब पकड़ा गया तो जब आपको ये बात पता चली कि इस तरीके से हुआ है, तो आपको किसने आकर के बताया कि ये सब चीज़ें हो गई हैं? एक लड़की बताने लिए आए थे, बोले आंटी आंटी चलो साक्षी कोई मार, ये लोग मार दिया, हमने कहा ऐसे उसको कौन मार देगा, मैं नहीं गई, मैं सोची से झूठ कोई मजाक कर रहा, थोड़ी देर बाद पुलिस आए बोले कि चलो, लेकिन नहीं हुआ आपको? फिर पुलिस वाले आए बोले चलो जय भगवान की, आप इसके लिए कहा वहाँ क्यों जाँच करने चलो, तो थोड़ी देर के लिए मुझे वहाँ गए थे घर में, तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, मतलब कि समाज की आंखों पर इस तरीके से पट्टी बन गई है कि वहाँ पर वो लड़का उसको, उस लड़की को मारता रहा, दरिंदगी अपनी उस पर दिखाता रहा, लेकिन किसी के भी हाथों में इतनी जान नहीं थी कि वो उसको रोक दे। देख के वहाँ से भाग रहे हैं, देख जब मार रहे हैं, मारने के बाद जब देख रहे हैं बंदे तो देख रहे हैं पीछे की ओर भाग रहे हैं, उसको भाग रहे हैं, मतलब उसको उनको डर लग रहा है। हाँ। अभी हमने हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया कि वहाँ पर इतने सारे पत्थर पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हैं, कोई भी उस व्यक्ति को रोकने लायक नहीं बना, ऐसा मतलब उसने अपना डर एक लीवर का था, बंदा था, अगर जितना बंदा भाग रहा था, जितना मोटा ताजा था वो, अगर उसको एक तवरा भी धर देता ना तो उठ के पानी नहीं मांगता वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो अपने जो है ना, अपनी जब बेटी पे जब जिस दिन आएगी ना, बाप जो अपने घर पे जब आएगी ना, उस समय उसको याद आएगा, लेकिन दूसरी की बेटी को यहाँ दूसरी की अपनी बेटी नहीं माना जाता, इसी वजह से ये कांड हो रहे हैं, और 125 करोड़ जो हिंदू हैं यहाँ पे, 25 करोड़ मुस्लिम पे भारी पड़ते हैं, इसी वजह से जिस दिन मात्र 5 करोड़ भी हिंदू अगर हो जाए ना तैयार, जो मैं हिंदू के लिए जीता हूँ, हिंदू के लिए मरता हूँ, उस दिन से पूरा हिंदुस्तान जो है ना
भगवा में हो जाएगा। तो जाओ जेल जाओ। वहाँ भाई साहब ऐसा बताऊंगा आपको मैं, ऐसा इनकी बड़ी बड़ी गैंग होती है जी, इसलिए कोई नहीं बोलता है कि इनके गैंग लिपटे गए हमको न मार। जी जी वही बात आपके एक बार की बात बता रहा हूँ मैं। इन्होंने कहीं बिजली का तार घर में लगाने का ठेका लिया था, तो मालिक से तय किया था कि जी पुराना तार हमें दे देना, मैं आपका लगा देंगे, दिहाड़ी मत देना उनके लिए। तो जब ये पत्थर की दीवार नहीं बनी हुई थी, गोंडे में तार को फोकने गया था। अब मैं वहाँ गया था लेटरिन होने, एक इतना बड़ा बच्चा था, कई बार कह रहा है कि अंकल चलो मैं बिगवा दूँ, चलो मैं बिगवा दूँ। उसकी प्लानिंग ये थी थोड़ा भका ले जाएंगे जंगल में, तो बड़े बड़े है तार को छीन लेंगे तार को। तो जो उनके साथ में जो हेल्पर था उसको 2 रुपये मार दिए, वो तो मार के भाग गया, वो दूसरी जगह रहता था वो। लेकिन जब आए यहाँ घर पे 20-25 लौंडे चाकू भागे सब लेके घर खेल लिए, यहाँ घर खेल लिए। अच्छा, तो मैं आया काम पर, मैंने पूछा क्या बात है, बोले भैया ऐसा ऐसा तार भीने गए थे गुंडे में, छोटा बच्चा था, बोला चलो मैं भिजवा दूँ, तो हमारा हेल्पर था वो 2 रुपये मार दिए, इसलिए घेर रखे। वो जो घेरे आपको सारे मुस्लिम थे या नहीं? वो गिरोह के थे, गिरोह के थे, हाँ गैंग के थे, वो गैंग के थे। जब घेर लिए तो हमारे जान पहचान का था वो, पप्पू नाम का था, और मैंने फोन किया, मैं भाई साहब पप्पू कहाँ हो, बोले घर ही में हो, अगर तुम थोड़ा आ जाए यार ऐसे ऐसे घर घेर रखे हैं। तो पप्पू आया तो उसे पूछा तुम किसके गैंग के हो, तो बोला पनवाड़ी के गैंग के हैं, पनवाड़ी के गैंग के हैं। अच्छा, बोला अच्छा ठीक है तुम जाओ पनवाड़ी से बता देना पप्पू भाई साहब वहाँ गए थे, और वो जो लड़का थप्पड़ मार दिया वो जमुना पार रहता है, यहाँ नहीं रहता है, खुद इसे दारी मारे घर आपका घेर लिया। हाँ, वो बच्चे घेर लिए, इतने बड़े से लेके इतने बड़े तक, चाकू हाथ में, डंडे हाथ में, हाथी हाथ में। तो वहाँ छुड़ाने जो बात आप कर रहे हो, इसलिए नहीं कोई बोला कि बड़ी बड़ी गैंग, ये भी पता लग रहा है साहिल के पास 16 बंदूक की गैंग थी, 16 बंदूक की गैंग थी साहिल के पास, 16 बंदूक की गैंग थी। अच्छा, इसलिए डर के मारे कोई नहीं बोलता, अगर हम इसमें बीच में पड़ेंगे तो हम इसको मार देंगे। यहाँ तो वो हाल है, अगर जानोगे कहाँ ये साला डकैत है, चोर है, नेक है, तो तुम चोर डकैत हो, तुम्हें रास्ते में मारने देखने लगेंगे। जिसके बाद आप करे चलो उनके पास, पुलिस को ये बात बताए हो? अरे यहाँ पे कई बार बताया गया, कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। मीडिया वाले सामने कई बार ये बात सब लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन की ढिलवाई से, पुलिस का पैसे नहीं लेते हो, कहीं चोर डकैती करते होंगे, पैसे लेते होंगे।